तो कैसी है हमारी YouTube फैमिली। तो आज की वीडियोस टॉपिक गाइस, आप लोग हमारा थंबनेल देख के वैसे पता चल ही गए होगा कि मैंने कोई भी जैसे डेली मोशन है या वीमियो है या फिर डिकास्ट के बारे में बात करें या फिर YouTube है, ब्लॉगिंग है, मैं उसके स्टेप बाय स्टेप आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर एक वीडियो के जरिए। और आपका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है लाइक के जरिए, कमेंट के जरिए। तो गाइज आज की वीडियो सिंपली टॉपिक मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बताया था डिकास्ट का रिव्यू किया था कि एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ जैसे कि यूट्यूब की तरह सेम वर्क करती है और बहुत मतलब कि रिवेन्यू आपको बहुत ही अच्छा देती है। एग्जाम्पल इस टॉपिक के बारे में मेन मुद्दे की बात की थी मैंने लास्ट वीडियो में, और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो गाइज ये वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग का पार्ट समझ में नहीं आएगा। बट आज की वीडियो का ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि हम अपना डिकास्ट के अंदर एक चैनल एक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज अभी तक आपने हमारे आई टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो सबसे पहले आपको करना कुछ डायरेक्ट साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। मैं अपने ईमेल भी खोल लेता हूँ, मेरे पास ईमेल आएगी वेरीफाई करने के लिए। एक्चुअली मेरे पास वो नेटवर्क का इशू है तो इसलिए मैं पहले खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लोगों अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरे वैसे ऑलरेडी अकाउंट है इसके अंदर तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली ही दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर लेना, जैसे ही पासवर्ड एंटर होगा यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे अगर आपके एक ब्लॉगर हो आपके पास कोई वेबसाइट है तो आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट साइन अप। और जैसे ही आप लोग साइन अप करोगे, साइन अप होने के बाद आपका पास एक ईमेल आएगी। ईमेल आपके पास यहाँ पे नहीं आएगी, प्राइमरी के अंदर सोशल में एक बार चेक कर लेना या फिर स्पैम फोल्डर में या फिर प्रमोशंस के अंदर। तो मेरे पास प्रमोशन के अंदर आई हुई है डिकास्ट ईमेल। तो अभी इसका टाइम देख लो, अभी 8 मिनट पहले ये ईमेल आई हुई है, वेलकम अबाउट योर फ्री ट्रायल स्टार्ट हेरी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ तब तक ये आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होएगा जब तक आप इसे ईमेल से वेरीफाई नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास जो भी न्यू अपडेट आएगा इनके पास वो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आपको डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके यहाँ पे मेन स्क्रीन पे ऐसे लाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं कर देता हूँ अपना यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड एंटर। तो मेरा ईमेल एंड पासवर्ड हो चुका है इधर एंटर, एंड मैं करूँगा डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक। तो इसके अंदर चैनल कैसे क्रिएट करना है A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। अभी सिर्फ हमारा इसके अंदर अकाउंट क्रिएट हो, कुछ हमारी सेटिंग्स होंगी और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि आप प्राइम में यूज़ करोगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, कम नहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सो मेरे पास थोड़ा नेटवर्क इशू चल रही, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो मेरे पास आप लोग देख ही सकते हो मेरे पास सिंपली डैशबोर्ड खुल चुका है, और मैं अपने यूट्यूब के टैब को कर देता हूँ क्लोज, और मेरी ईमेल है जो वो भी वेरीफाई हो चुकी है। तो ये होता है इसका, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वीमियो है, वीमियो के पास भी सेम ऐसा प्रोसेस होता है, स्टोरेज होती है, बट इसको आपको अपग्रेड करना पड़ता है कुछ अमाउंट पे करके, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। पर ये जो डे हो रहे हैं ये वैसे ही टेम्परेरी, इसको आप ऐसे मत लेना कि अगर ये हो गए तो हमारे वीडियो को क्या होगा। और सबसे बड़ी इसका बेनिफिट ये है कि इनके जो सपोर्टर हैं वो 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल रहेंगे, आपकी सेवा में हाजिर हैं। एंड सेकंड इसका जो प्रोसेस होगा कुछ मैं इस प्रकार से बताऊंगा, मैं ज़्यादा लंबी कोई वीडियो अपलोड तो नहीं करूँगा। वीडियो अपलोड करने से पहले कुछ इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में गाइड करना चाहूँगा आप लोगों को। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मोनिटाइजेशन, ये है इसका मोनिटाइजेशन, इसके अंदर कैसे अपने अमाउंट वगैरह सेट करने हो और मोनिटाइजेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैंने स्टार्टिंग में ही लास्ट वीडियो में बताया था कि डिकास्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको कोई टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, 4,000 घंटे वॉच टाइम या फिर एनीवन 10,000 व्यू, ऐसा कोई सब्सक्राइबर वाला कोई ऐसा सीन नहीं है डिकास्ट का। डायरेक्ट वीडियो अपलोड करो, यहाँ पे प्राइस सेट करो, क्रिएट प्राइस और कौन सी प्राइस है, बहुत बेनिफिट है इसमें, अर्निंग बहुत देता है ये। मेरे पास एक अलग से अकाउंट है, वो उसका पेमेंट प्रूफ मैं लास्ट में वीडियो बनाऊंगा जैसे मेरा प्रोसेस खत्म होगा डिकास्ट का।
सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वेबसाइट के बारे में आप लोगों को क्या राय है तो उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताते रहना। पेरोल है, पेवाल मतलब मोनिटाइजेशन का जो इस ये वाला फॉर्मेट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ये हमारा डैशबोर्ड, अभी तक मैंने कोई वीडियो अमेंड या डाउनलोड या एनीवन कुछ भी नहीं किया है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप इस पर लाइव कीजिए, लाइव में बहुत ज़्यादा अर्निंग है। तो इसके अंदर ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन लाइव स्ट्रीम का आ जाता है। अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ये कुछ फिल्टर हैं, फिल्टर अगर आप शो करना चाहोगे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो क्रिएट लाइव स्ट्रीम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है वीडियो। वीडियो जैसे यूट्यूब की वीडियो वीडियो अपलोड करना, तो मैं यहाँ पे एक सिंपली छोटी सी कोई वीडियो अपलोड कर लेता हूँ सिर्फ ट्रायल के लिए। तो वैसे तो मेरे पास कोई छोटी सी वीडियो होएगी, आई थिंक स्टैंडर्ड ब्राउज फाइल, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि इसके अंदर वीडियो है कैसे अपलोड करनी, कैसे टैग लगेंगे, कैसे टाइटल कैसे क्रिएट करना है ताकि आपकी वीडियो सर्च रैंक में। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो यहाँ से प्लेलिस्ट प्ले, अगर आप एक यूट्यूबर हो एंड एक ब्लॉगर हो तो प्लेलिस्ट एंड पेजेस के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, और अगर नहीं पता तो गाइस प्लीज़ मैं लास्ट वीडियो बना रखी है कि प्लेलिस्ट के हिसाब से अपने व्यू को कैसे बढ़ाएं, प्लेलिस्ट का असल डिफरेंस मैंने उसके अंदर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एंड एनालिटिकल्स इसके बारे में कौन नहीं जानता। तो ये है कुछ इस तरह का इसका जो डैशबोर्ड की, सॉरी इसका जो एनालिटिकल का डैशबोर्ड हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपकी वीडियो कहाँ देखी गई, कितने लोगों ने देखी गई है और क्या उसका हिसाब किताब है। व्यूअरशिप ये सुपर चैट वाला ऑप्शन है इसके अंदर, एंड रिव्यू आपने कितनी रिव्यू अर्न करी है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ इसके अंदर प्रोसेस होता है। एंड सबसे रिव्यू का फॉर्मेट थोड़ा इस प्रकार आएगा, एंड ये इसका कुछ हो गया कि ये कंटेंट अपलोड चार्ट टोटल रिव्यू बाय टाइम, ऐसे कुछ इसके अंदर बहुत से फीचर बता जाते हैं हमारे पास मेन। ये इसका पे वॉल, विड्रो, ट्रांजेक्शन, ग्रुप प्रेजेंट, ये मोनिटाइजेशन का फीचर है। ये मोनिटाइजेशन का फीचर ए टू जेड आपको डिटेल दूंगा कि इसका, अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि इन कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं तो वो क्या हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसकी कोई टर्म कंडीशन नहीं है जब तक आपके पास ये स्पेस पड़ी है, और ये स्पेस कम नहीं है भाई, 10 GB बहुत है और 2 GB स्टोरेज रिमेनिंग है, ये बहुत है स्पेस आप लोगों के लिए। क्योंकि एक वीडियो जो होती है मेरे हिसाब से नॉर्मल, अगर आप 5 मिनट की बनाएंगे, अगर वो हाई क्वालिटी में नहीं रखेंगे, अगर आप यूट्यूब की तरह बहुत स्टैंडर्ड की वीडियो बनाओ तो वो तो भाई होएगी GB में, और अगर नॉर्मल बनाओगे कोई मोबाइल से तो ट्राई करके देखिए, मेरे कहने का मतलब आप 100, 50, 200, 500 MB की वीडियो अपलोड कीजिए। मैं आपको ये रिकमेंड है कि आप हाई क्वालिटी, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आप इसका प्राइम वर्जन यूज़ करो, आप पहले फ्री में ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई अर्निंग बेस्ट हो रही है तो आप कुछ इन्वेस्ट करो इसके अंदर ताकि आपकी जो स्टोरेज बढ़ सके। तो ये थे कुछ फीचर्स, एंड लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर क्या क्या है वो भाई देख लेते हैं। एनकोडिंग, एनकोडिंग्स मीन्स क्या है, मेरे पास थोड़ा भी ओपन हो जाता है। ये है स्टैंडर्ड ओल्ड मैजिक, ये कुछ इन्हीं के फीचर्स हैं। अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसका जो डोमेन है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा पहले कि आप एक वेबसाइट ओनर हो, ब्लॉगर के ओनर हो आप अपने ब्लॉग के अंदर, अगर ये यहाँ से वीडियो की लिंक कॉपी करके या लिंक को अमेंड करके अपने ब्लॉग के अंदर पोस्ट करोगे, जो लोग आपके ब्लॉग पे विजिट करेंगे वो वीडियो को प्ले करेंगे, अगर वो आपका डोमेन वेरीफाई है तो वहाँ पे ऐड शो होंगे और उन ऐड के आपको रिवेन्यू मिलेगी डिकास्ट अकाउंट के अंदर। तो उसके आगे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, एंड थीमिंग के कुछ ऑप्शन है, थीमिंग, आई थिंक थीमिंग तो इसकी नॉर्मली थीम है, थीम के बारे में डिस्कस किया, और एंगेजमेंट इन्होंने यहाँ पे दे दिया। ये एंगेजमेंट जो है एडवर्टाइजिंग एनेबल्ड, ये कुछ ऐसे हैं क्रिएट एड्स, मतलब कि ऐड हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, न्यू ऐड, ऐसा कुछ, ब्रांड इमेज, ब्रांड टेक्स्ट, एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। जबकि हमारे पास यूट्यूब में वीडियो जैसे हम उसको सेटिंग कर दो, एडिट कर दो, वहाँ पे शो हो जाए। तो इससे कुछ ये प्लान के बारे में अकाउंट्स का ऑप्शन है, अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ इसके प्लान के बारे में डिस्कस हुआ है। ये है 30 दिनों का इनका प्लान है जो, एंड उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है अपग्रेड। जो आपके करंट में प्लान चल रहा है वो आप
प्लान वाले फीचर में दिखेगा ये इसमें अपग्रेड। ये बता रहे हैं कि आप अगर एक डेवलपर हो, एक इवेंट स्केल कस्टम लेट्स चैट, हमें इन सब से मतलब नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करो, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप ये ऑप्शन यूज़ करो फ्री वाला, इसमें पैसे अभी इन्वेस्ट मत। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अर्निंग बहुत अच्छी है तो आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इन्वेस्ट करोगे तो आपका बेनिफिट है, उसमें स्टोरेज ज़्यादा मिलेगी, तो ऐसा कुछ सिस्टम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने स्पेस मिलेगी। यही है, इसके सेम प्रोसेस वीमियो का भी था, वीमियो भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो मेरे हिसाब से डिकास्ट, क्योंकि डिकास्ट में लाइव की बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। कुछ कंपनी प्रोफाइल जैसे मेरी वेबसाइट है, तो वेबसाइट कुछ प्राइवेसी कारण आप लोगों को दिखा नहीं सका, तो यहाँ से पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग कुछ कर रहे हैं तो आपके पास अपडेट पेमेंट मेथड कि आप इसके अंदर अपनी पेमेंट कैसे रिसीव करो डायरेक्ट। जैसे यूट्यूब में हमारे पास होता है कि आप $100 नहीं होगा तब तक हमारा बैंक क्रेडिट का ऑप्शन, या $10 नहीं होगा तब तक बैंक क्रेडिट का ऑप्शन अनेबल नहीं होगा, तो ऐसा कुछ फीचर है। तो ये इनवॉइस आ गया आगे कि आपके पास जो ट्रांजेक्शन उसकी कितनी इनवॉइस बनी है, तो ये तो कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस। एंड हमारा चैनल हो चुका बिल्कुल क्रिएट डायरेक्ट, हमें कुछ नहीं करना, इसके डायरेक्ट वीडियो अपलोड करो अर्न करो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड। तो बस इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, और रेडिकास्ट जो वेबसाइट है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है, मैंने बहुत मेहनत की है वीडियो के लिए, ये वेबसाइट ऐसी ही मैं बहुत सी वेबसाइट आप लोगों को फ्री में सर्च करके दूंगा और उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ वॉच कीजिए AgiTech यूट्यूब चैनल। आप लोगों का चैनल हमारी फैमिली का चैनल है। थैंक्स फॉर विजिट AgiTech यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।